हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे संवेगात्मक विकास के क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमने गैदर किए हैं विभिन्न राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों से। अगर आप नए हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना है एक छोटा सा काम, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आर फैमिली, क्योंकि यही बेल आइकन तो आपको याद दिलाएगा आपको कुछ करना है और आगे बढ़ना है। जो ऑलरेडी हमारी फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको करनी है वीडियो को पॉज और फिर मन में क्वेश्चन को देख लेना है, विचार लेना है, उसके बाद वीडियो को चलाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो यहाँ पे परिस्थिति पूछी है कि कौन सही परिस्थिति में सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है वो बच्चे का अच्छा होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो सही उत्तर है हम उसके साथ चलेंगे। तो बच्चे का जो, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो बिल्कुल कि बच्चे को जब महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है, तभी वो एक अच्छी परिस्थिति में उसके संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा। बच्चा एक्चुअली जो होता है ना, वो उचित सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है और सामाजिक विकास, वो दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अगर बच्चे को महत्वपूर्ण हम माने और उसकी भावनाओं का सम्मान अगर हम कहें, तो उसे हम उचित वातावरण जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो भाई संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं इसमें से कौन कौन से हैं। तो भाई शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल है, मानसिक योग्यता भी है और थकान, ये तीनों भी जो कारक हैं वो तीनों भी हैं। तो ये सभी जो है आपका ऑप्शन ये सही है। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य व्यवहार परिवर्तन से है। जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसी के अनुसार बालक अपने संवेग यानी कि व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों को प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, परिस्थिति आदि। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये तीनों जो कारक हैं वो संवेगात्मक विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए भाई कक्षा कक्ष में जो है प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। बिल्कुल एकदम पहला ही उत्तर है आपका, एकदम इससे रिलेट हो रहा है। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी जो है वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को, भावनाओं को क्या है वो बोल पाएगा, अभिव्यक्त कर पाएगा, है ना। और शिक्षक से जो है वो निसंकोच जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है और शिक्षक भी उसे बाकायदा उसे आंसर्स वगैरह बता सकते हैं। तो इससे जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और प्रजातांत्रिक परिवेश होने की वजह से जो बच्चा है काफ़ी अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो आपका जो ए उत्तर है वही एकदम बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है। देखो पहले पूछा था सबसे अधिक प्रभावित करने वाला और यहाँ पे पूछा है सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक। तो सबसे कम जो प्रभावित करेगा वो कौन सा है, यहाँ पे परिवार दिया है, स्वास्थ्य दिया है, आर्थिक स्थिति और खेलकूद। तो देखिए बच्चों के संवेगात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो तो पारिवारिक वातावरण हो जाता है, आर्थिक स्थिति हो जाती है और स्वास्थ्य हो जाता है। खेल जो है वो संवेगात्मक विकास को प्रभावित तो करता है लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, ठीक है। क्योंकि संवेगात्मक स्थिति के हिसाब से क्या है, खेल का निर्धारण हम लोग करते हैं और खेल जो है वो बालक में समायोजन एवं शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। ये खेल कूद जो है वो शारीरिक विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी महत्वपूर्ण तो संवेगात्मक विकास के लिए भी है ये, लेकिन हमारा खेल कूद जो है वो शारीरिक विकास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि संवेगात्मक विकास के लिए। तो यहाँ पे पूछा है कम प्रभावित करने वाला, तो ऑफ कोर्स खेल कूद जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे खेल कूद जो है वो कम प्रभावित करने वाला कारक है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।